हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो आज हम कराने जा रहे हैं आपकी पुस्तक स्वर तरंग बाय ब्रेन रूट से एक नई मात्रा। हम सीखेंगे आज औ की मात्रा। बच्चों आज कौन सी मात्रा सीखने जा रहे हैं? औ। और इसका उच्चारण कैसे करेंगे? औ औ। और औ की मात्रा की पहचान क्या है? इसमें कितनी मात्राएँ लगती हैं बच्चों? इसमें दो मात्राएँ लगती हैं। ओ में एक मात्रा लगती थी, लेकिन अ में ये देखिए एक और दो, दो मात्राएं लगती हैं। और इसको बोलते हैं कैसे उच्चारण होता है इसका? इसका उच्चारण होता है अ। जैसे कि क में अ की मात्रा लगा दी तो बन गया क। ता में अ की मात्रा लगा दी, ये देखिए दो मात्राएं हैं एक और दो, अ। तो सा में अ की मात्राएं लगा दी तो बन गया स। ल में अ की मात्रा लगा दी तो बन गया ल। जैसे कि फा है, हाँ में अगर दो मात्राएं हैं, ओ की मात्रा है तो कैसे बन जाएगा? फो। और ये क्या है? जी। तो क्या बन जाएगा मिलके? फो जी। ऐसे ही पा है, पा में दो मात्राएं लगा दी, यानी पा में दो मात्राएं ओ की लगाएंगे तो ओ की मात्रा बन जाएगा तो पौ, पौ धा, पौ धा। ना में ओ की मात्रा लगा दी, नौ क्या बन जाएगा? नौका। इसको कैसे बोलेंगे? नौका। अब देखिए न है, ना में फिर से औ की मात्रा, नौकर इकट्ठा बोलेंगे क्या बन जाएगा? नौकर, नौकर। ऐसे क च, च में औ की मात्रा लगा दी, क चो, फिर री, क चौड़ी, इकट्ठे मिलके क्या बोलेंगे? क चौड़ी। ऐसे ही च, च में ओ की मात्रा, चौ की दार। अब एक साथ कैसे बोलेंगे? चौकीदार, चौकीदार। तो इस तरह से हम ओ की मात्रा को बोलते हैं। और अब हम करते हैं पहले दो अक्षरों से और फिर तीन अक्षरों से और फिर चार अक्षरों से ओ की मात्रा के शब्दों का अभ्यास। क में ओ की मात्रा, कौर, कौर। च ग में अ की मात्रा, गौर, गौर। ढ में अ की मात्रा, ढौर, ढौर। च में अ की मात्रा, चौथ, चौथ। क में अ की मात्रा, कौन, कौन। म में अ की मात्रा, मौन, मौन। म में अ की मात्रा, मौज, मौज। द में अ की मात्रा, दौड़, दौड़। ला में औ की मात्रा, लौट, लौट। च में औ की मात्रा, चौक, चौक। औ में औ की मात्रा, और, और। श में औ की मात्रा और क, शौक। अब देखिए नौ का, मौ, मा में औ की मात्रा है तो कैसे इसका बोलेंगे? मौ, मौ का। का में औ की मात्रा, कौड़ी, चौड़ी। सौदा, पौधा। क चौड़ी, ह थौड़ी। नौ कर, ओ जार। फौलाद, चौराहा, चौराहा। फौलाद, औजार, नौकर, हथौड़ी, कचौड़ी। तो बच्चों अ की मात्रा को हम जब दो मात्राएं होती हैं वो हो जाता है अ। और इसको बुलाते कैसे, कैसे उसका उच्चारण करते हैं? अ से। जैसे कि सौदागर, नौजवान। फौलाद, नौ सैनिक। नौकरानी, लौट कर। अभी हमने क्या किया? अभी हमने दो मात्रा, दो अक्षरों का, तीन अक्षरों का और चार अक्षरों का अभ्यास किया ओ की मात्रा का। और अब हम वाक्य पढ़ेंगे कौन सी मात्रा के? ओ की मात्रा के। और देखिए आप क्या किया हुआ है, ये देखिए ओ की मात्रा को अलग रंग से किया हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि ओ की मात्रा को हम कैसे बोलते हैं। गौरव के, मौसा जी बिजनौर से आए। वे सौरव व गौरव के लिए खिलौना लाए।
नौकर दौड़कर मौसा जी के लिए कचौड़ी व पकौड़ी लेकर आया। गौरव और सौरव का सखा गौतम भी आ गया। सभी ने मिलकर पकौड़ी व कचौड़ी खाई। सभी मौसा जी से मिलकर खुश थे। और अब एक और हम वाक्यों का प्रयोग देखेंगे, अभ्यास करेंगे। अ की मात्रा से, गौरव गौरी का बड़ा भाई है, वह फौजी है, फौजी देश की रक्षा करता है। गौरव के पिता का नाम रौनक चौधरी है। गौतम बीमार था, गौतम को औषधि पिलाई, औषधि के बाद गौतम ठीक हो गया। गौतम नौका चलाता है। तो बच्चों, अभी हमने क्या किया, अभी हमने बहुत सारा अभ्यास किया, कौन सी मात्रा का, अ की मात्रा का। और अब हम क्या करेंगे, चित्रों को देखकर उचित शब्द पर हम गोला लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, कौन बनी है ये, औरत। औरत में कितनी मात्राएं आएंगी, दो मात्राएं, औरत। एक ये औरत है और एक है औरत, तो औरत ये गलत है और औरत सही है, तो मैंने सही पे गोला लगा दिया। अब है कौन बना है, चौकीदार। चौ, ओ की मात्रा आ रही है, ओ की मात्रा का मतलब है दो मात्राएं, तो सबसे पहले लिखा है चौकीदार, ये गलत है और यह है चौकीदार, तो सही शब्द है चौकीदार, तो मैंने इस पे गोला लगा दिया। और अब है नुकर या नौकर, सही शब्द है नौकर। और ये क्या बना है, पौधा, क्या बोलते हैं इसे, पौधा, तो देखते हैं कौन सा सही है। ये क्या है, पौधा, और ये है पैधा, तो कौन सा सही हो गया, पौधा। तो हमने चित्र को देखकर उचित शब्द पर हमने गोला लगा दिया। और अब हम चल रहे हैं अक्षरों को उचित क्रम में लगाकर हमें सही शब्द लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या है, रौ, रदौ, रदौ तो गलत है, तो हम इसको ठीक से लिख देंगे दौड़, हमने इसको सही लगा दिया दौड़। ये क्या है, लकड़ी, चौ गलत है, इसको कैसे लिखेंगे, क, ओ की मात्रा, क चौड़ी, क चौड़ी। और इसको भी हम सही करेंगे, कामो, कामो की जगह हम ठीक कर देंगे इसको मौका, मौका। और अब क्या है, रिकॉप, इसको भी हम सही करेंगे, इसको सही क्रम में कैसे लगाएंगे, प कौड़ी, पकौड़ी, क्या हो गया सही क्रम, पकौड़ी। और अब है ये क्या लिखा है, गौरव, गौ ये नाम है और इसका है गौरव, गौरव, हमने इसको ठीक कर दिया। और आखिरी में है जीफा, कितना आसान है, फ, फ में ओ की मात्रा, फौजी, क्या बन गया ये, फौजी। तो हमने इन अक्षरों को उचित क्रम में लगाकर हमने सही कर दिया, सही शब्द लिख दिया। और अब है चित्र पहचान कर उनके नाम लिखने हैं, जो कि बहुत आसान है। सबसे पहले क्या बनी हुई है, सबसे पहले बनी है लौकी, हमने ला में ओ की मात्रा लगाकर लौकी। और अब ये क्या है, पौधा, और ये क्या बना हुआ है, ये बनी हुई है औरत, आमे ओ की मात्रा रत, औरत। और ये क्या है, कौ, में ओ की मात्रा कौवा। और यहाँ पे क्या बना है, फौजी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, फा में ओ की मात्रा फौजी। ये क्या है, कौन है, चौकीदार, तो
तो हम यहाँ पे लिख देंगे चौकीदार। और ये क्या है? नौका। और यहाँ पे क्या बना हुआ है? एक खिलौना। तो हम कहाँ लिखेंगे? खिलौना। तो बच्चों, हमने चित्र पहचान कर उनके नाम लिखे, और इसके साथ हमारी आज की वाली मात्रा हमने सीखी, अ की मात्रा हमने सीखी। और बच्चों, इसका अभ्यास आप अवश्य करेंगे बोलकर और लिखकर, और नई मात्रा के साथ बहुत जल्दी आते हैं। तब तक के लिए आभार।